इससे स्पष्ट है कि बीजेपी किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो 10 की 10 लोकसभा अपने आप लड़ेगी। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं और ये जो जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कुछ कह रहे हैं। और तीसरा बयान था इसका दुष्यंत का, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल, यहाँ से जिताया और डिप्टी सीएम बनाया। अब वो कितने पानी में है इसका पता तो तभी लगेगा ना जब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, तो हम तो उन लोगों में से तो नहीं है कि जो पीछे हट जाएंगे। जेजेपी तो खुद बैसाखी का सहारा मिला हुआ है बीजेपी का नाम का, बीजेपी के नाम से शायद उनको वोट कुछ फालतू तो मिल जाए। अजय चौटाला ने मैम गठबंधन पर विराम लगाते हुए कहा कि गठबंधन जो लटकी तरह मजबूत है वो टूटेगा नहीं कभी। अजय चौटाला कल मैं टीवी पर देख रही थी, यानी तीन तरह के बयान थे। एक तुम्हारे मुख्यमंत्री का था, मनोहर सिंह जी का, मनोहर लाल जी का। उन्होंने कहा कि पिछले बार भी हमने 10 की 10 सीटें पे कमल खिलाया था और अब के बार भी हम 10 की 10 सीटों पे कमल खिलाएंगे। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो 10 की 10 लोकसभा अपने आप लड़ेगी। और दूसरा बयान था अजय जी का, जिन्होंने ये कहा कि हमने तो गठबंधन को बड़ी ईमानदारी से निभाया है और हमारी उम्मीद है कि ये गठबंधन आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो दोनों के वक्तव्य में विरोधाभास है। पहली बात तो मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं और ये जो जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कुछ कह रहे हैं। और तीसरा बयान था इसका दुष्यंत का, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल चंडीगढ़ में। उसने अभी भी यही बात की है कि मैं उचाणा से ही चुनाव लड़ूंगा। हम तो कहते भी लड़ो, अच्छी बात है, क्योंकि 2019 में जो चुनाव में उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिताया और डिप्टी सीएम बनाया। अब वो कितने पानी में है इसका पता तो तभी लगेगा ना जब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हमारा गठबंधन रहा उस समय हमारे को ये मतलब तय करना पड़ेगा कि क्यों हम तो चुनावी राजनीति में हैं, अब वहाँ से रिटायर तो होने का मतलब ही नहीं। और लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा और लोकसभा में ब्रजिंदर सिंह को अगर पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारती है तो निश्चय उसकी जीत पक्की है। और उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम तो उन लोगों में से तो नहीं है कि जो पीछे हट जाएंगे। बाकी देखो भविष्य के गर्भ में क्या है इसका तो अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि बार बार ये भी बातें आती हैं कि गठबंधन तो नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों से, एमएलओ से भी, एक्स एमएलओ से भी उन्होंने कुछ सवाल जवाब करे थे कि आप चाहते हो कि गठबंधन रहे, तो वो कहते हैं नहीं हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, कि हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं, हमारे को गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और जेजेपी को इसलिए है कि जेजेपी तो खुद बैसाखी का सहारा मिला हुआ है बीजेपी का नाम का, बीजेपी के नाम से शायद उनको वोट कुछ फालतू मिल जाए। लेकिन बीजेपी खुद उसका वर्कर नहीं चाहता कि हम जेजेपी के साथ मिलकर अपना गठबंधन कायम रखें। तो देखो ये तो बात तो ऊपर के लेवल की है, अब उसमें क्या फैसला होता है, क्या उनकी मंशा है, ये तो अभी तो नहीं कुछ कह सकते हैं।